दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे थॉमसन की जो लेटेस्ट 55 इंच वाली टीवी लॉन्च हुई उसी के बारे में। इसी के साथ साथ उसको कंपेयर करेंगे व्यू की प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज और जेवीसी की 55 इंच वाली टीवी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों तीनों ही टीवी को कंपेयर करने के पहले, मतलब जेवीसी, थॉमसन और वीओ, तीनों ही टीवी को कंपेयर करने पहले ये समझ लेते हैं कि तीनों ही टीवी में आपको सिमिलर क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको तीनों ही टीवी में 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट देखने मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने मिल जाएगा। 1 ईयर की वारंटी है, 2019 में लॉन्च हुआ है, बिल्ट इन वाईफाई है और तीनों के तीनों टीवी 4K टीवी है और तीनों ही टीवी में आपको मिराकास्ट का सपोर्ट देखने मिल जाएगा और तीनों ही टीवी में जो LED का टाइप है वो डायरेक्ट LED यूज किया हुआ है। तो ये कुछ बातें होगी सिमिलरिटी इसके बारे में जो तीनों ही टीवी में देखने मिल जाएंगे। तो यहां पर अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं, जो मेजर डिफरेंस आप मुझे देखने मिल रहा है कि थॉमसन की जो टीवी 4K टीवी 55 इंच वाली वो 39,000 में आपको मिल रही है और दूसरी तरफ मैं बात करूं वीयू की, तो वीयू की जो प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज वाली टीवी है उसका प्राइसिंग कुछ 44,000 के आसपास है। तो मतलब 5,000 रुपए का डिफरेंस है। और दूसरी तरफ मैं बात करूं जेवीसी की, तो जेवीसी की जो टीवी है वो आपको 38,000 रुपीज की मिल रही है। तो यहां पर थॉमसन से भी 1,000 रुपए कम है। तो यहां पर कौन सी टीवी अच्छी है या कौन सी टीवी सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, तो आप देख लेते हैं कि ये टीवी में, तीनों ही टीवी में डिफरेंसेस, फायदे नुकसान क्या है। तो दोस्तों अगर थॉमसन, जेवीसी और वीयू का अगर तीनों की टीवी में मैं कंपैरिजन करूं, तो यहाँ पे पहला डिफरेंस मुझे जो निकल के आ रहा है वो है उसके स्पीकर आउटपुट का। तो यहाँ पे आपको थॉमसन में आपको 30 वॉट का स्पीकर देखने मिल जाता है, जेवीसी में 50 वॉट का स्पीकर आउटपुट देखने मिल जाएगा और उसी तरह मैं बात करूँ वीयू में, तो वीयू में आपको सिर्फ 24 वॉट का स्पीकर आउटपुट देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है कि जेवीसी का जो साउंड आउटपुट है अच्छा है। अब बात कर ले कॉन्ट्रास्ट रेशियो की, तो आपको थॉमसन की टीवी में 5:1 का डायनामिक कॉन्ट्रास्ट रेशो देखने मिल रहा है और दूसरी तरफ मैं बात करूं वीयू में, तो वीयू में आपको 1:1 का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशो देखने मिल रहा है और जेवीसी में बात करूं, जेवीसी में आपको 2:1 का डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट रेशो देखने मिल रहा है। तो यहां पर व्यू का जो टीवी है उसमें 1:1 का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशो। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कॉन्ट्रास्ट रेशो जो होता है हमेशा स्टैटिक वाला ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो अच्छे से टेस्ट किया होता है, मेजर्ड होता है और रिलायबल होता है। तो यहां पर व्यू अगर 5,000 आपसे एक्स्ट्रा ले रहा है तो इसी चीज के ले रहा है। यहां पे एक पहला प्लस पॉइंट व्यू की तरफ से यही होगा कि जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो 1:1 का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। बात कर ले ब्राइटनेस निट्स के बारे में, तो आपको थॉमसन की टीवी में आपको 550 निट्स का ब्राइटनेस देखने मिल जाएगा। दूसरी तरफ मैं बात करूं वीयू में, तो वीयू में आपको 450 निट्स का ब्राइटनेस देखने मिल जाएगा और जेवीसी की बात करूं तो 500 निट्स का ब्राइटनेस देखने आपको मिल जाएगा। अब बात कर ले इंटरनल स्टोरेज और रैम की, तो यहाँ पर आपको तीनों ही टीवी में 16 GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है लेकिन जो रैम है वो अलग अलग है। तो थॉमसन की टीवी में आपको 2.5 GB का रैम देखने मिल जाएगा, व्यू की टीवी में आपको 1.75 GB का रैम देखने मिल जाएगा और दूसरी तरफ मैं बात करूँ जेवीसी में, तो जेवीसी में भी आपको 2 GB का रैम देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पर व्यू के लिए एक माइनस पॉइंट जाता है जो कि 1.75 GB का रैम। बात कर ले इन टीवी के प्रोसेसर के बारे में, तो तीनों ही टीवी में आपको क्वाड कोर प्रोसेसर देखने मिल जाएगा लेकिन जो GPU ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट वो अलग अलग है। तो यहां पर थॉमसन की टीवी में आपको जो माली 860 देखने मिल जाएगा GPU और दूसरी तरफ मैं बात करूं वीयू और जेवीसी में वहां पे आपको माली 450 देखने मिल जाएगा। जो पॉइंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और काफी लोग आप लोग कमेंट में पूछते हो कि ब्लूटूथ है कि नहीं, तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा थॉमसन की टीवी में आपको ब्लूटूथ देखने मिल जाएगा जिसके थ्रू आप स्पीकर ब्लूटूथ अनेबल डिवाइसेज होते हो आप कनेक्ट कर सकते हो आपके टीवी से। आपको थॉमसन की टीवी में देखने मिल जाएगा, वीयू की टीवी में ब्लूटूथ नहीं है, जेवीसी की टीवी में तो ब्लूटूथ है ही नहीं। और दोस्तों बात कर ले रिमोट कंट्रोल के बारे में इन्हीं टीवियों के बारे में, तो थॉमसन में आपको वॉइस अनेबल रिमोट मिल जाता है, उसी के साथ साथ गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट भी मिलेगा। वीयू में भी आपको वॉइस अनेबल रिमोट मिल जाता है, गूगल असिस्टेंट मिल जाता है लेकिन जेवीसी की टीवी में आपको गूगल असिस्टेंट नहीं मिलता और इसी के साथ साथ वॉइस अनेबल रिमोट भी नहीं मिलता। तो यहाँ पर एक मेजर माइनस पॉइंट जेवीसी के लिए। लेकिन जेवीसी में गेमिंग रिमोट मिलता है या फिर बोल सकते हो डुअल रिमोट मिलता है जिसके थ्रू आप मोशन गेम्स खेल सकते हो ऐसे ऐसे मस्त एंजॉय करके। तो ये एक जेवीसी का प्लस पॉइंट होगा मेरी तरफ से। बात कर ले कंटेंट प्रोवाइडर के बारे में, तो थॉमसन की जो टीवी है वो भी ऑफिशियल एंड्रॉइड टीवी है लेकिन इसमें आपको नेटफ्लिक्स सपोर्ट देखने मिल जाएगा। दूसरी तरफ मैं बात करूँ वीयू की प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज में, ये ऑफिशियल टीवी तो इसमें आपको अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स कुछ भी चलने वाला नहीं, आपको साइड लोड करना पड़ेगा। साइड लोड का मतलब ये होता है कि आपको एक एपीके फाइल होती है जो एंड्रॉइड फाइल, वो आपको USB के थ्रू इंसर्ट करना है और उसको इंस्टॉल करना है।
और उसी तरह मैं बात करूँ जेवीसी में, तो जेवीसी ऑफिशियल एंड्रॉयड टीवी नहीं है, तो आपको इसमें अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब सब कुछ परफेक्टली चलने वाला है, और इसमें आपको इसी ऐप, इसी टीवी में आपको प्रीइंस्टॉल देखने मिल जाएगा। इसी के साथ साथ जो थॉमसन की लेटेस्ट टीवी है उसमें 5000 एप्स प्रीइंस्टॉल आएंगे, जिसमें आपको काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग एप्स हैं, गेम्स हैं, जिसके थ्रू आप इंजॉय कर पाओगे इसी ही टीवी में। तो ये एक प्लस पॉइंट है थॉमसन की तरफ से। भैया आप बात कर लेते सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो टीवी का होता है, वो डिस्प्ले, पिक्चर क्वालिटी किसकी अच्छी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा पैनल के बारे में। तो पैनल यहाँ पे थॉमसन का जो यूज हुआ है आईपीएस पैनल 39,000 में, जो कि एक बहुत अच्छा डील होगा, आईपीएस पैनल आपको मिल रहा है थॉमसन की टीवी में। दूसरी तरफ मैं बात करूँ व्यू की प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज में, वहां पर आपको ए प्लस ग्रेड का पैनल देखने मिल जाएगा, वो भी पैनल अच्छा है। और उसी तरफ मैं बात करूँ जेवीसी में, तो जेवीसी में भी ए प्लस ग्रेड का सैमसंग स्क्रीन का क्वांटम बैकलाइट पैनल यूज हुआ है, जो कि वो भी एक बहुत अच्छा पैनल होगा। दोस्तों यहाँ पर तीनों ही टीवी में जो पैनल यूज हुआ है बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आपको पिक्चर क्वालिटी में तीनों की तीनों ही टीवी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी, अच्छा एक्सपीरियंस होगा, कलर काफ़ी रिच दिखेंगे, विविड एक्सपीरियंस होगा, अच्छा व्यूइंग एंगल्स होगा। तो तीनों टीवी में पिक्चर क्वालिटी को लेकर आप कन्फ्यूज मत होइए, क्योंकि तीनों की तीनों ही टीवी पिक्चर क्वालिटी में सिर्फ 19:20 का फर्क है। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपको अगर अच्छा डिजाइन चाहिए, एक अच्छा लुक चाहिए टीवी का, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि जेवीसी की टीवी नंबर वन पे है, क्योंकि उसका लुक्स बीजल्स एकदम काफी अच्छे है, और उसका जो टेबल स्टैंड है वो मेटल का है। और दूसरी तरफ मैं बात करूँ व्यू के बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के बारे में, तो वहाँ पर आपको बीजल काफ़ी पतले मिल जाते हैं, टाइटेनियम ग्रे वाला लुक है। और उसी तरफ मैं बात करूँ थॉमसन में, तो थॉमसन में भी आपको बीजल्स थोड़े पतले और लेकिन प्लास्टिक की बॉडी देखने मिलेगी आपको थॉमसन में, और वहाँ पे आपको व्यू में आपको एक टाइटेनियम ग्रे का प्लास्टिक है, लेकिन आपको एक मेटल वाला लुक देता है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं समराइज करूँ कि आपको कौन सी टीवी ले, तो अगर आप थॉमसन की जो लेटेस्ट टीवी है उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर है, उसमें एक ऐसा फीचर है स्मार्ट हब का, तो स्मार्ट हब के थ्रू आपके जो ब्लूटूथ अनेबल डिवाइस है आप रिमोट से बैठे बैठे कंट्रोल कर सकते हो, आपको कहीं उठने की जरूरत नहीं, घर के लाइट्स कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप किसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करो कि प्लीज़ इस पर वीडियो बनाए, तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा किस ढंग से काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पर अब क्वेश्चन आता है कौन सी टीवी ले, तो मेरे हिसाब से मैंने तीनों ही टीवी को एक्सप्लेन कर दिया कि कौन से डिफरेंस है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या है प्लस माइनस, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। आपको डिसीजन लेना है कि आपको कौन सी टीवी लेना है। अगर आपको अच्छा डिज़ाइन चाहिए तो जेवीसी की टीवी बहुत अच्छी है, अच्छे पिक्चर क्वालिटी है, तीनों अच्छे हैं। यहाँ पर थॉमसन एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आया है जो स्मार्ट हब का है, वो एक बहुत अच्छा फीचर होगा। दोस्तों मेरे हिसाब से तीनों ही टीवियाँ काफ़ी अच्छी हैं। अगर आपका बजट 39,000 का है तो आप थॉमसन लीजिए, बजट अगर बढ़ाना है या बजट बढ़ चुका है तो 44,000 के व्यू भी ले सकते हो, वो भी बुरी टीवी नहीं है। हर एक चीज़ का, हर एक टीवी का प्लस माइनस होता है, और आपका बजट अगर 39 का नहीं है तो 38 में आपको जेवीसी है तो आपको मिल ही रही है। तो मैंने तीनों ही टीवियों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, इसी के साथ साथ और भी प्रोडक्ट लिंक्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप परचेस भी कर सकते हो। उसके बाद पूरे डिटेल में आप देखना चाहोगे तो वहाँ पे अमेजोन के लिंक दे, वो सब चेकआउट कर सकते हो, में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों जाते जाते कहना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, जोर से दबा के लाइक कर देना, इसी के साथ शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब का बटन दबाए बिना जाना नहीं, और आपको मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड, बाय बाय। और इसी के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आईडी हैप्पी गाइड। मिलता हूं अगले वीडियो में, बाय बाय।